मैश पोटैटो जो है वो एक अमेरिकन महिला ने बनाया हुआ था। ये बटर, मिल्क और थोड़ा सा बस सॉल्ट डाल के ये बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बनाती जा रही हूँ। लेकिन मैश पोटैटो जो है ये अमेरिकन डिश है, बहुत ही कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ ये डिश है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मैं जिस प्रकार से ये छन्नी ली हुई है, आप इसी प्रकार से ऐसी ही छन्नी लीजिए, क्योंकि हमें जो मैश पोटैटो हम बनाने जा रहे हैं वो पोटैटो जो है बहुत एकदम महीन होना चाहिए। तो इसे महीन हमें करने के लिए ये मैंने छन्नी लिए हैं, और किस प्रकार से मैं ये कर रही हूँ आप इसी तरह से करिए और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये छन्नी बहुत ज़रूरी है, किसी और चीज़ से ये मैश नहीं हो पाएगा। तो चलिए ये मैश पोटैटो जो है हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया इसी प्रकार से, ये अमेरिकन डिश है और बहुत ही लोग जो है चाव से खाते हैं इसे और बच्चों को भी खिलाते हैं। अगर आपको याद है तो हम भी क्या करते हैं, है ना, 3 साल का बच्चा हो जाता है तो हम भी वैसे ही कुछ मैश करके वेजिटेबल्स हैं खिलाते हैं। तो इससे कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा मिलता है बच्चों को। बच्चों को तो पसंद आएगा लेकिन आप सबको भी पसंद आएगा। और ये अमेरिकन जो है वो डिश है, तो आप जो बनाएंगे वो आपके गेस्ट के लिए भी नया होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मैश हो गया है। बस जैसे जैसे मैं ये कर रही हूँ आप देखते जाइए, क्योंकि हमेशा ही मैं बोलती हूँ 3 चम्मच डालिए, 4 चम्मच ये करिए, 5 चम्मच वो डालिए, लेकिन आप देख के करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये कैसे मैं बना रही हूँ और क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। ये सॉल्ट हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन बटर जो है मैं अमूल यूज़ कर रही हूँ। तो सॉल्ट का हमेशा ही ध्यान रखिए जब भी आप अमूल बटर डालते हैं। तो ये 3 चम्मच तो मैंने पहले डाल दिया है, लेकिन और भी लगेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसे आप मिक्स करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो इसका कंसिस्टेंसी है ये क्रीम जैसा होना चाहिए। और फिर इसके बाद में हम मिल्क भी डालेंगे और इसे विस्कर से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। ये मैश पोटैटो तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। आप ज़रूर बनाइए और आपके गेस्ट को भी ये खिलाइए। आप सिर्फ मैश पोटैटो एग सलाद के साथ में ही नहीं बनाना है, लेकिन मैश पोटैटो जो है आप चिप्स के साथ में भी खा सकते हैं। तो ऐसे भी बनाइए और खिलाइए, खाइए और मज़े करिए। तो चलिए बस ये रेडी हो गया है, ये मैश पोटैटो तो तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं बटर डालूं, इससे इसका जो है वो शाइन आ जाएगा। तो मेल्टेड बटर जो है वो मैं डाल रही हूँ, और आपको मैं याद दिला लूँ कि मैं ये अमूल बटर से बना रही हूँ। तो सॉल्ट जो है वो हमेशा कम ही डालिए, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे ये सुआ जो भाजी होती है, और इसे दिल भी कहा जाता है, इसे बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये हमारा रेडी हो गया मैश पोटैटो, और अब हम एग सलाद की तैयारी करेंगे। हमें एग सलाद बनाने के लिए एग चाहिए, जो 4 कप में मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए हम 4 अंडा लेंगे, और ये अंडे को क्या करना है हमें, ये वाइट पोर्शन है और येलो पोर्शन दोनों को अलग करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये मैश पोटैटो जो है इसे हम ये सब जो हमने डिल डाला है इसके साथ में मिक्स कर लेंगे, और एक एक करके हम ये ग्लास में हमें पहले ये मैश पोटैटो को फिल करना है। आधा ही हमें इसमें डालना है, और थोड़ा सा
प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से एग हम डालेंगे ना तो क्या होगा कि वो नीचे ना चला जाए, क्योंकि नीचे हमें चाहिए मैश पोटैटो, उसके ऊपर हम वाइट पोर्शन डालेंगे और उसके ऊपर हम येलो पोर्शन डालेंगे। तो बस ये एक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हमें इसे अरेंज करना है। तो मैश पोटैटो को मैंने डाल दिया है, फिर हम एक एग लेंगे और एग को तोड़ के हमें दोनों पोर्शन को, येलो और वाइट पोर्शन को अलग करना है, क्योंकि ये दोनों का जो टाइमिंग है डालने का वो बहुत अलग है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एक साथ में ना डालें, बस येलो पोर्शन जो है इसे एक साइड में रख दीजिए और वाइट पोर्शन को निकाल के हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाने के लिए एक ग्लास जो ली हुई है उसमें हम इसे डाल देंगे वाइट पोर्शन को, और फिर हम आगे चल के आप देख सकते हो चारों को मैं मिक्स इसी तरह से बना के रख लूँगी। और फिर हमें गैस पे एक पतीले को रखना है क्योंकि इसे बॉईल करना है हमें, ठीक है। तो क्या आप पहले पतीले में पानी रख दीजिए गैस पे और उसे उबालना है, जिस तरह से ये उबाल आ रहा है आप देख सकते हैं, वैसे ही उबाल आने के बाद में हमें ये सभी ग्लास को एक वन बाय वन हमें इसके अंदर रखना है। ये जो मैंने दो ग्लास ली हुई है और ये दो मैंने बॉटल ली हुई है, इसी में ये स्लट एग आया था तो मुझे लगा चलिए आपको भी मैं दिखा दूँ, और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बॉईल करने हमने रख दिया है, और जैसे ही ये वाइट पोर्शन जो है वो कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें येलो पोर्शन डालेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा येलो पोर्शन जो है यहाँ पे ऊपर गलती से ये आ गया है मेरे से, लेकिन बहुत धीरे से हमें ये येलो पोर्शन डालना है। ये जो ये है आप देख सकते हैं दो में मैंने अच्छी तरह से डाला है, लेकिन दो जो है मैश हो गए। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और मैंने ये आपको दिखाने के लिए ही किया है कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि खाना जो अगर दिखाई में अच्छा होता है तो बहुत मज़ा आता है खाने में, और स्लट एग जो है वो येलो पोर्शन है वो स्लरी होना चाहिए, इसलिए हम इसे ऊपर से डालते हैं। और इसे इस तरह से मैंने फॉइल से ढक दिया है कि ये जो पानी जो है ऊपर का बाफ जो है वो अंदर ना चला जाए, लेकिन ये कुक भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और कच्चा मुझे लग रहा है, तो और मैं एक से दो मिनट पकाऊंगी इसी तरह से वापस, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो बस बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग स्लट खाने के लिए, बस रेडी हो जाइए आप, आपका एग स्लट जो है वो रेडी हो जाने वाला है बहुत जल्द। एग स्लट को हम सर्व कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये कुक हुआ है, हमें इसी प्रकार से कुक करना है। और सभी चार जो मैंने बनाए हुए वो आपको सर्व करेंगे, और रेडी हो जाइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी। और बहुत ही ये किस प्रकार से खाना है ये मैं आपको बता दूं, आपको स्पून लेके नीचे तक जो है मैश पोटैटो के साथ में पूरा एक स्कूप लेना है। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए खाइए खिलाइए, और ये जो चीज़ है आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये बहुत नई चीज़ है मैंने आपके लिए बनाई हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक